हालेलुया। इस ब्रदर का नाम रंजीत सिंह है और जयमाला गांव के रहने वाले हैं और इनकी गवाही जे 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 बता रहे हैं कि जे 12 साल से नशा करते थे और जे इंजेक्शन लगाने का नशा करते थे और 12 साल से ही जे अपने राइट साइड बाजू पर इंजेक्शन लगा रहे थे और आज से कुछ दिन पहले भी इन्होंने इंजेक्शन लगाया था और जिसके कारण जे बता रहे कि वो इंजेक्शन गलत लग गया था और जो कि बहुत ज़्यादा जख्म हो गया और उसके बाद जे बता रहे कि ब्लड जो था बहुत निकल रहा था और एक हफ्ता हो गया था, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल रहा था, वो बंद नहीं हो रहा था और जिसके कारण इन्फेक्शन हो गई और उनको बहुत ज़्यादा बुखार भी हो गया और एक हफ्ते से इनका बुखार भी उतर नहीं रहा था और बहुत ज़्यादा परेशान थे और जो जख्म हो गया था इंजेक्शन लगवाने के कारण इनकी राइट साइड बाजू में। पहले हम उस पिक को देखेंगे। और जो जख्म था और जिसके कारण बहुत ब्लड निकलता था और बहुत ज़्यादा जी ब्रदर परेशान हो गए थे, उन्हें मेडिसिन भी ली पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और जैसे ही जब ब्रदर पर्सनल मंडे की मीटिंग में आए और जी मीटिंग जैसे इन्होंने अटेंड की और प्रभु के दास के साथ उन्होंने इनको उत्साहित किया और जैसे इन्होंने उनके साथ बात की और प्रार्थना करवाई तो जब ब्रदर ने बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ और जैसे इनके लिए प्रेयर हुई और सबसे पहले हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। माफ करो प्रभु, माफ करो, माफ करो, मेरे को जेड़ा जीवन है ये तोड़ा है, तुसी मैनू दिता, तुसी मैनू बनाने वाले हो। मैं आज प्रभु मन फिरा इस संसार तो, संसार दिया गल्लां तो मैनू माफ करो, माफ करो। मैं अगां प्रभु इदा नहीं करांगा, इदा नहीं करांगा, ताड़ी हजूरी विच आवांगा ते तुहाडी हर गल नू, तुहाडी हर वचन नू, ताड़ी हर आग्या नू पूरा करांगा। मैनू माफ करो, माफ करो। क्योंकि इन्होंने बताया नहीं था कि जो इंजेक्शन लगा रहे 12 साल से नशे वाले अपनी बाजू पर, ना तो इनकी फैमिली ने बताया था, पर जैसे उस दिन उन्होंने बताया कि मेरी बाजू पर चोट लगी है और क्योंकि परमेश्वर तो भले, जैसे इन्होंने बताया कि मेरी चोट लगी और प्रभु के दास ने इनके लिए इस अनुसार ही इनके लिए प्रेयर की, पर जैसे प्रार्थना हुई जो बता रहे कि परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम को इनके लिए अच्छा किया। क्योंकि जैसे हम जानते हैं हम परमेश्वर की हजूरी में इनको अपनी सच्चाई बतानी चाहिए, पर उस समय तो इन्होंने बताया नहीं, पर जैसे जी अच्छी हो गए बाद में जैसे इन्होंने अपनी टेस्टामनी लिखवाई तो इन्होंने बताया कि जो जो जख्म है इनको पूछा गया तो बता रहे थे कि जो जख्म आज से 12 सालों के जो इंजेक्शन लगवा रहे हैं लगाते हैं और आज इंजेक्शन कुछ दिन पहले गलत लग गया था और जिसके कारण जो जख्म अच्छा नहीं हो रहा था, पर जिन्होंने उस समय इसलिए नहीं बताया जो बता रहे थे कि बहुत सारे लोग उस दिन मीटिंग में आए थे और इनका मन नहीं था कि जी अपनी सच्चाई बताएं, पर जैसे हमने बाइबल में भी सुना है कि परमेश्वर भले हैं जो अपने उपकार करते हैं, तो सच में जो परमेश्वर का अनुग्रह था जो इस मिनिस्ट्री की ग्रेस है और उस ग्रेस ने इनको शुआ आज बिल्कुल अच्छे हैं। अभी ब्रदर जी अपनी बाजू दिखाइए। अभी हम देख सकते कि पूरी तरह से जो वो जख्म था, ब्लड निकल रहा था, वो सूख नहीं रहा था, पर जैसे इन्होंने अपना उस दिन मन फिराया और इनके लिए प्रेयर हुई थी और परमेश्वर ने उस जख्म को अच्छा किया और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और प्रभु यीशु मसीह के लिए, इस गवाही के लिए। और जो पहले ब्रदर मीटिंग में भी बहुत ही कम आते थे, इनका विश्वास नहीं है, इनकी फैमिली ही विश्वास करती है और जो अपने मन को परमेश्वर के साथ लगा रहे हैं और विश्वास करते कि जो हर एक मीटिंग में आएंगे, इस गवाही के लिए हम सब धन्यवाद करेंगे, हम सब तारीफ करेंगे एकलिसिया। दुखा दे वेले मेरा यहोवा मेरी पनाह, दुखा दे वेले मेरा यहोवा मेरी पनाह। क्या नाम है बेटे तेरा, क्या नाम है, सामने देखो। रंजीत सिंह। हाँ, तू कितने साल से ये नशा कर रहा है? 12 साल से। ये जी जो तू टीके इंजेक्शन लगाता है, इसके अलावा कोई और भी नशे करता है? नहीं। हाँ, और नहीं कुछ। और कोई नहीं। तो सुनो,
जो इंजेक्शन इसने लगाया वो जो नाड़ें होती है, ये नाड़ें बोलो क्या है, नाड़ों में ये नाड़, जो नाड़ होती है उसमें इसने इंजेक्शन लगाया। जब आप नॉर्मली इंजेक्शन जैसे आपको किसी चीज के लिए आपके कोई रोग है बीमारी है तो आप डॉक्टर ने, सुनो ध्यान से, डॉक्टर ने आपके टेस्ट लेने बॉडी के लेने, तो यहीं से इस नाड़ से वो ब्लड निकालते हैं। बोलो क्या, सुई से वो ब्लड निकालते हैं, और जब वो ब्लड निकालते हैं उस नाड़ से, सुनो ध्यान से, तो क्या होता है कि आपको एक जैसे डिटॉल कुछ लगाकर एक कॉटन को वहां पे ऐसे थोड़ा गीला करके वहां पे आपको कहते हैं इसे दबा लो, तो आप ऐसे करके रखते हो ना, पता है कि नहीं है, ऐसे करके रखते हो, दबा के रखते हो कुछ सेकंड मिनट तक, मे बी एक मिनट, डेढ़ मिनट, दो मिनट तक ऐसे रखते हो, क्योंकि ऐसे रखते हो, और क्योंकि अगर आप जैसे इंजेक्शन लगाया डॉक्टर ने, खून को निकाला उस नाड़ से, अगर आप उस कॉटन को ऐसे दबाकर रखोगे नहीं उस नाड़ को, तो खून बंद नहीं होगा, क्या नहीं होगा, बंद नहीं होगी। इसी रीति से इसने जो इंजेक्शन नाड़, अपनी नाड़ों में ये टीके लगाता है इंजेक्शन, और उसमें लग गया गलती से लग गया, कि लगाते हैं उसी में हो, गलती से उस नाड़ में टीका लग गया, नाड़ में, यहां पे लगाने की मास्क की जगह से नशा लेने के लिए उस नाड़ में लग गया, और जब निकाला सुई को तो फिर खून बंद नहीं हो रहा, कुछ डॉक्टर के पास गए, ट्रीटमेंट कराया, हाँ बोलो क्या करा, फिर भी वो खून क्या नहीं हो रहा, कितने दिन नहीं बंद हुआ, हफ्ता हो गए, एक हफ्ता ऐसे खून निकलता रहा। फिर ये यहां पे आए, फिर मन, अभी आपने सुना ना क्लिप में कि मैंने इसका मन फिराया, इसे बोल के परमेश्वर के सामने तौबा कर, मन फिरा के प्रभु मैं आगे से ऐसे कोई पाप नहीं करूंगा, कोई गलत चीज नहीं करूंगा। और इसने फिर जिस दिन इसने मन फिराया और मैंने प्रार्थना की, अभी आपने सुना है कि इन्होंने ना तो इसने बताया, हाँ ना इसकी फैमिली वाले ने बताया कि इस ये इंजेक्शन लगाता और गलत इंजेक्शन लगने के कारण ये जख्म हुआ, इसलिए खून नहीं, इन्होंने बनाया चोट लगी। तो मैंने भी ऐसे प्रार्थना कर दी, परमेश्वर भला है, बोलो क्या, परमेश्वर भला है, उसने काम किया, उसी दिन बंद हो गया। तारीफ करो, देखो सच्चा परमेश्वर, और ये छोटी बात नहीं, बोलो क्या है, ये छोटी बात नहीं। अब तूने क्या फैसला लिया, अब नशा करना है आगे? नहीं सर। हाँ आज कितने दिन हो गए? 15 दिन हो गए सर। आज 15 दिन हो गए, कोई नशा नहीं, हाँ कोई इंजेक्शन नहीं, हाँ जी सर, कोई टीका नहीं, कोई कुछ नहीं, अब तेरा मन पूरी तरह किसकी ओर लग गया है? परमेश्वर की तरह, परमेश्वर की ओर। आप सच्चे मन से जीना, क्योंकि ये शरीर बाइबल में लिखा खुदावंद का मंदिर है, उसने कहा अगर तू मेरे मंदिर का नाश करेगा फिर मैं तेरा क्या करूंगा, नाश करूंगा, ठीक है? तो अपने मन को फिराना, खुदावंद के साथ सच्चे मन से जीना, क्योंकि वो तुझे प्यार करता है, उसने तुझे ये जीवन दिया है, ठीक है? वो तुझे अपने स्वर्ग राज का अधिकारी बनाना चाहता है, ठीक है? तो ठीक है, ओके, इस बड़ी गवाही के लिए, बड़े काम के लिए हम तारीफ करेंगे जोर से। जो काम की तो भी नहीं होता, ओ यीशु नाम च हो जावे, जो काम की